तो यार चाप तो आपने बहुत खाई होगी, पर क्या आपने कभी इसकी मैरिनेशन की मेकिंग देखी है, किस तरीके से इसको मैरिनेट किया जाता है? तो आज मैं आपको बल्क में दिखाऊंगा किस तरीके से सोया चाप को मैरिनेट किया जाता है और ये कैसी दिखती है बेसिकली स्टार्टिंग में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही गजब मेकिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि एक बर्तन में हमने खूब सारी यहाँ पर चाप ले ली थी, ये फ्राइड करी गई थी, पहले इनको उबाल के या फिर फ्राई किया गया था, उसके बाद इसमें कई सारे मसाले डाल के इनको बढ़िया तरीके से मिक्स कर रहे हैं सरदार जी। बहुत ही कुरकुरी चाप हो गई है यहाँ पर इस टाइम पे, बहुत ज्यादा क्रंची इनमें टेस्ट आएगा, बट जब तंदूर के अंदर तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब इसके अंदर बढ़िया तरीके से ग्रेवी डाल देंगे जिसके अंदर इनको मैरिनेट किया जाए कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। तो जैसे ग्रेवी आ चुकी है, ग्रेवी की फ्रेग्रेंस जो थी बहुत ही बढ़िया आ रही थी, जिंजर गार्लिक का बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसके अंदर आ रहा था। तो अब जैसे कि यहाँ पर बढ़िया तरीके से दार जी इसको हाथों से मिक्स करते हुए, आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई कि आपको सोया चाप ज़्यादा पसंद है या पनीर टिक्का ज़्यादा पसंद है। तो अगली वीडियो मैं किस चीज़ के ऊपर लाऊं वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बना पाऊं उस चीज़ के ऊपर। सो अब बढ़िया तरीके से यहाँ पर सरदार जी इस चाप को मिक्स कर रहे हैं ग्रेवी के अंदर, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको रखा जाएगा चाप को इस ग्रेवी के साथ, और बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर सेटल करने के लिए रख दिया गया है। अब जैसे कि हमारी चाप 2 से 3 घंटे तक रह चुका है ये मैरिनेटेड, जो हमारा यहाँ पर ये चाप को जो हमारी ग्रेवी मसालों के साथ मिक्स करके रखा गया था। अब इसके बाद इसको सीख में लगाया जाएगा। ये जो सीख होती है लोहे की होती है और ये तंदूर के अंदर जाती है, एक सीख मतलब फुल प्लेट कम से कम इसके अंदर 8 चाप के जो ये पीसीस हैं ये लगाए जाते हैं इसके अंदर, और बढ़िया तरीके से सरदार जी इसको आराम आराम से इसमें लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पर हम 6-7 सीखें बनवाऊँगा मैं यहाँ पर चाप की, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनती है और बहुत तगड़ा बल्क ऑर्डर यहाँ पर आता है आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन की बात करूँ तो कबाना करी एंड कबाब कृति नगर वेस्ट दिल्ली के अंदर ये एरिया पड़ता है, मेट्रो स्टेशन से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की आसपास ही है। तो आप आके यहाँ पर ये ट्राई कर सकते हो। जैसे कि देख रहे हो हमारी 5 सोया चाप की सीखें जो है यहाँ पर लग चुकी है और ये तैयार है तंदूर के अंदर जाने के लिए। तंदूर के अंदर कम से कम इनको 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाएगा और बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। आपने स्टार्टिंग देखा कितनी क्रंची थी हमारी चाप, ग्रेवी डालने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाती है, 2 से 3 घंटे के लिए ग्रेवी में इनको भिगो कर रखा जाता है। अब जैसे कि हमारी चाप बन के तैयार हो चुकी है 10 मिनट बाद तब इनसे बाहर निकालने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया होती है ये टेस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ दिल्ली के अंदर। तो आप बताओ आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो और आपके यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है। तो हमारी एक चाप की सीख बनके तैयार हो चुकी है टेस्ट के लिए, और अब इसको बढ़िया तरीके से सरदार जी बाउल में डाल रहे हैं, जिसके बाद इसके अंदर कई सारा घी मसाले और धनिया पाउडर और क्रीम व्रीम डाल के इसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाएगा। अब ऊपर से देसी घी आ चुका है इसके अंदर, बिल्कुल कंजूसी नहीं की जाती देसी घी डालने में, और ऊपर से डाल दी गई है क्रीम, क्रीम के बिना चाप को कोई मज़ा नहीं है। उसके ऊपर यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया गया है, अब इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल दिया गया है। धनिया डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिलाया जाएगा बाउल के अंदर, और 2 तरीके की चाप ऐसी होती है कि एक होता है आप ये डायरेक्ट खा सकते हो, आप चाहो तो इन्हें कट भी करा सकते हो, पर मैंने कट नहीं कराई है तो बिल्कुल ऐसी नॉर्मल रहने दी है जिससे मुझे टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है इसका। और अब इसके अंदर प्याज आ चुकी है, और हरी चटनी के बिना चाप और पनीर टिक्का कोई मज़ा नहीं है, तो ये तो मस्त। जैसे कि हमारी चाप की थालियाँ पर बन के तैयार हो चुकी है, अब हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे धनिए से और क्रीम से। सो वीडियो बताओ आपको कैसी लगी, कि बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना एंड फॉलो कर देना किंग्स फूड जी को, एंड सब्सक्राइब भी कर देना तो यूट्यूब पर जाके। तो अब बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसके अंदर हम रुमाली रोटी देते हैं। एक खास बात और, जो रुमाली दी जाती है यहाँ पर 2 रुमाली आपको फ्री दी जाती है पनीर टिक्के और सोया चाप के साथ, और यहाँ पर ये भैया सरदार जी ने अपना फ्लैग लगा दिया है कबानाज करी है कृति नगर के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।